हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में सांसद रामदास तड़स द्वारा विकास कार्य को लेकर लगाए जा रहे गंभीर आरोप है। पिछले 10 वर्षों में रोजगार को लेकर तालुका दुर्लक्षित हुआ है। हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र जिले का तेजी से बढ़ता हुआ तालुका है और सभी ग्रामीण क्षेत्र हिंगनघाट शहर आसपास लगे हुए हैं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के रहते बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हुआ है। सांसद रामदास तड़स का सांसद पद का कार्यकाल कुछ ही महीनों में समाप्त होने वाले है। पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में हिंगनघाट शहर और तालुका में बड़ी परियोजना कार्यान्वित करते हुए तालुका में बेरोजगारों की संख्या कम करने के लिए कुछ काम हुआ नहीं। इसके रहते तालुका और शहर के युवा बेरोजगार अनेक शहरों में भटकते हुए रोजगार की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन औद्योगिक नगरी के नाम से जाने वाला हिंगनघाट शहर अब बेरोजगारों का अड्डा बनते जा रहा है। सांसद रामदास तड़स पिछले 10 सालों में बेरोजगारों के लिए कुछ परियोजना निर्माण करते तो शहर और तालुका का नक्शा कुछ और ही होता। इस मुद्दे पर तो रेल के मुद्दे पर जो है, ये रेल के मुद्दे पर तो अभी भैया ने अभी बोले कि ये खासदार साहब निष्क्रिय थे करके, और निष्क्रिय थे इसमें कोई दो मत नहीं है। और रेल का जो मुद्दा है, हमने दो चार गाड़ी चालू किए, लेकिन जिस तरीके से पूर्ववत जो गाड़ी शुरू होना चाहिए लेकिन उन्होंने शुरू नहीं किए, अभी सिर्फ एक गाड़ी चालू किए, वो भी बल्लार शाह तक नंदीग्राम में हमने मांगा, नागपुर बम्बई चलने वाली जो नंदीग्राम है वो उन्होंने आदिलाबाद से न करते हुए अभी बल्लार शाह से किया, ये खुशी की बात है, लेकिन वो नागपुर से होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। वैसे ही हमारे जयपुर की मांग है, जयपुर को एक गाड़ी नहीं है, जयपुर कोयम्बतूर, जयपुर मैसूर और जयपुर चेन्नई, ये तीन गाड़ियाँ, एक है दो गोरखपुर है, नंदीग्राम को यहाँ तक लाना है, और जनरल पैसेंजर जो यहाँ से वर्धा से बल्लार शाह किए ये नागपुर गाजीपेट होना हमको। इस तरीके से हमारे कुछ मांगे हिंगनघाट रेलवे स्टेशन की, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं होने के कारण ही ऐसा हमको हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। ऐसा हमारा एक समाज सेवक होने के नाते जनता की तरफ से हमारा आरोप है आपके ऊपर में, और हमने जब अन्यथा सत्याग्रह तो आपने छठवें दिन आप वहाँ पर आकर के, सातवें दिन आकर के आपने फिर वहाँ पर हमको आश्वासन दिया, तो और आप कभी आते नहीं है, लेकिन किसी ने आपको बुलाया, इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है हिंगनघाट का करके तब आप आए, तो आप पे आरोप जो है वो बिल्कुल सही आरोप लगाया भैया ने। और अभी आने वाले समय में रेलवे के लिए हम आंदोलन करेंगे, इसमें दो मत नहीं, इसके पहले हमने किया है, लेकिन अब कुछ लोग ज्यादा ही लोग आंदोलन कर रहे थे करके मैं जरा पीछे हो गया, अब आने वाले समय में मैं आंदोलन करूंगा। रेलवे की और रेती की समस्या जो है ये पिछले 10 साल से कम नहीं हुई है, और जहाँ से अभी वो हमने बोला है मैंने आने वाले दुपकाले में तकलीफ होंगी, जहाँ से पानी सप्लाई होता है बड़ा फुटबॉल है वहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ा विचार करना चाहिए। आप पहले गरीब थे, आज करोड़ों के मालिक है, तो कम से कम हिंगनघाट के लोगों का विचार करके करते हुए दुपकाले में हमारा सर्वनाश नहीं होना चाहिए, और हमारी जीवनदायिनी माता है उसका जरा ध्यान रखते हुए हम विनंती करते कि थोड़ा रोका जाए काम करे कुछ दिनों के लिए। जय हिंद, जय विदर्भ। हिंगनघाट विधानसभा और वर्धा जिला लोकसभा में 5 सालों में विकास का, 10 सालों में, 5 साल तो नहीं बोल सकते आप, ये 5 साल का टर्म नहीं, स्थानीय आमदार पिछले 10 वर्षों से यहाँ कार्यरत है, और लोकसभा के श्री रामदास तड़स ये भी यहाँ, इनको भी 10 वर्ष हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में लोकसभा के माध्यम से अगर देखा जाए तो रामदास जी तड़स ने पूरे जिले में ऐसी एक भी उनकी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे एक खासदार के रूप में करनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई भी एक ऐसा बड़ा कार्य पूरे जिले में या पूरे लोकसभा में, जिसमें अमरावती जिले का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है, कहीं बहुत बड़ा उद्योग या कारखाना या कोई कॉलेजेस, एकमात्र कॉलेज वो भी यहाँ के लोकल लोगों के वजह से, जिन लोगों ने आंदोलन किया मेडिकल कॉलेज के नाम पर, उसको संज्ञान में लेके विधायक समीर बाबू कुन्नावार ने विधिमंडल में प्रयास किया, उनके प्रयास के माध्यम से हमको अभी वो यहाँ मिला है। लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी में सिर्फ सर्वे हुए हैं, जगह कौन सी क्या इसका भी कोई दूर दूर तक का अता पता नहीं है, बनेगा लेकिन कब इसकी गारंटी अभी हम नहीं दे सकते। शासकीय जीआर निकला है वेद की महाविद्यालय के नाम पर, जिसको बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 450 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, 400 बेड का हमको मिला है,
सबसे पहले 400 बेड का हॉस्पिटल हिंगनघाट शहर में कब शुरू होता? जब वो शुरू होगा उसी के बाद में आपके महाविद्यालय की नींव रखी जाएगी। दूसरी बात, शहर में चल रहे विकास कार्य, ये विकास कार्य रोड नाली ये जो चीज़ें है आज पूरे शहर में खुद के पड़ी है बन रही है, ये हर नागरिक की संवैधानिक मूलभूत सुविधाओं के आधार पर दी जाने वाली सुविधा है। इसके पहले के लोक प्रतिनिधियों के ध्यान में ये चीज़ें नहीं आई, वर्तमान आमदार ने इन चीज़ों को किया, इसका मतलब ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मेरी नज़रों में तो ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, विकास हो रहे हैं। विकास का मतलब होता है कि शहर में अर्निंग सोर्सेस पैदा किए जाए, शहर की समृद्धि में उसका, शहर को समृद्ध करने के लिए उसका योगदान हो, ऐसी सुविधाएं हमारे यहाँ आज तक नग्न है। बाबा आदम का जमाना जो कहा जाता है, उस जमाने में हमारे यहाँ 2 मिलें थी जो आज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, आरबी डागा और मोता स्पिनिंग मिल के नाम से। ये शहर एक जमाने में इतना सुप्रसिद्ध था कि यहाँ का कपास, यहाँ के कपास के भाव और मैनचेस्टर की मंडी जो इंग्लैंड में है वहाँ के भाव समकक्ष खोले जाते थे। कपास के लिए इतनी बेहतरीन सुविधा होने के बाद में भी हमारे यहाँ कपास को लेकर जिनिंग के अलावा दूसरे कोई प्रोसेस नहीं है। मेरी लोक प्रतिनिधियों से स्पष्ट आपके इस माध्यम चैनल के माध्यम से ये मांग है कि शहर में रोजगार के साधन पैदा करें। जब शहर के युवाओं को रोजगार मिलेंगे उन्नति आपो आप होगी। आज शहर में बेरोजगारी के चलते नशाखोरी, रेती चोरी, MD तस्करी, रेती के नाम पर आपस में गैंगवार, लूटमार, ये जो चल रही है इस पे अंकुश लगाने का एकमात्र साधन है कि स्थानीय नवयुवकों को रोजगार मिले। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप शहर में शांति, खुशहाली और समृद्धि के मार्ग पे जाएंगे, खाली पेट भजन नहीं होता। यही बोलकर मैं अपने बातों को यही खत्म करता हूँ। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।